हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ BMW के TPMS को किस तरीके से आप बिना स्कैन टूल के, यानी कि किसी स्कैनर की या किसी लैपटॉप की आपको जरूरत नहीं पड़ती है इसकी लाइट को रीसेट करने के लिए। बेसिकली TPMS होता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये डिटेक्ट करता है टायर के प्रेशर को। यानी कि कभी भी आपकी कार में, अगर चलती हुई कार में यानी ड्राइव करते हुए टाइम पे अगर आपकी कार में पंचर हो जाता है या टायर का ये प्रेशर है, एक हवा है जो लो हो जाती है या कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में होता क्या है, इन कार में BMW, ऑडी, मर्सिडीज, आज तक बेसिकली आज के टाइम में तो सभी कारों में ऑप्शन हो गया, आप किसी भी कार में उस चीज़ को लगा सकते हैं और कंपनी से फिटेड भी ये सारी चीज़ आती हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है, आप टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि TPMS की लाइट है उसको बिना किसी स्कैन टूल के कैसे रीसेट कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो भी हैं वो मैंने आपको बताई हुई है। यानी आपको किसी भी प्रकार का कोई लैपटॉप नहीं चाहिए, कोई स्कैन टूल नहीं चाहिए, ना ही किसी प्रकार का कोई टेक्नीशियन के पास आपको लेकर के कार को जाना है। आप बिना स्कैन टूल के और आप खुद ही इजीली आप आराम से उस TPMS की लाइट को रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई माल फंक्शन लाइट आ जाती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर, तो वो उबार कर इरीगेट करती है, परेशान करती है, दिखती है तो ये लगता है किस चीज़ की लाइट आ गई, क्यों बार बार किस वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको बताइए किस तरीके से आप इसकी TPMS की लाइट को ऑफ करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको जो लाइट ऑफ करने का प्रोसीजर बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं आपको आई ड्राइव से। बेसिकली आई ड्राइव भी काफ़ी तरीके की होते हैं और डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर अभी बेसिकली जो कार मैं दिखाने वाला हूँ आपको ये है BMW की X3। तो X1 में अलग टाइप से होता है, X5 में अलग टाइप से है, X3 में अलग टाइप से, और जो न्यू X1 है F48 उसमें अलग टाइप से है। ओके, तो मैं इसके बाद आपको एक और X1 का वीडियो अपलोड करूँगा जो कि विदाउट आई ड्राइव के आप उसकी TPMS लाइट किस तरीके से ऑफ कर सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अभी हम करने वाले हैं BMW X3 का TPMS लाइट रीसेट, और तो ये कार है BMW X3। तो करते हैं आज की वीडियो का स्टार्ट। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कर दीजिए इस वीडियो को लाइक शेयर। तो इस कार में जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो सबसे पहले कार को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर इस कार में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आप देख सकते हैं TPMS की लाइट शो कर रही है, सर्विस इंडिकेटर आ रहा है, रिमोट कंट्रोल, बैटरी रिप्लेस, इसकी बैटरी भी डाउन है वो भी मेरे को रिप्लेस करनी है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसके आई ड्राइव पर इसमें जो टायर पोजीशन है ये येलो कलर में है जबकि ये ग्रीन कलर में होनी चाहिए, और जो टायर प्रेशर है वो लॉस दिखा रहा है, यानी कि टायर प्रेशर कहीं ना कहीं से भी लीकेज है। और ये आप देख सकते हैं, ओके, तो ये चारों टायर का दिखा रहा है प्रेशर रीसेट करने के लिए। तो ये प्रेशर आपको किस तरीके से रीसेट करना है ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से आपको रीसेट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करा देता हूँ मैसेज टायर प्रेशर लॉस, ओके। तो इसमें मैसेज को रीसेट करने के लिए आपको जाना है फ्लैट टायर मॉनिटर, ओके, कंफर्म टायर प्रेशर। तो सबसे ऊपर है फ्लैट टायर मॉनिटर और कंफर्म टायर प्रेशर, और थर्ड नंबर पर है इंजन ऑयल लेवल, और ये है सर्विस रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके रियर ब्रेक पैड सर्विस पर हैं, बाकी का इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ ओके है। तो अभी हम इसमें हमें TPMS रीसेट करना है, तो कंफर्म टायर प्रेशर पर हमें क्लिक करना है। तो कंफर्म टायर प्रेशर पर क्लिक करने के लिए आपको ये आई ड्राइव का इस्तेमाल करना होता है। इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी पहले भी काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमें कंफर्म टायर प्रेशर करना है और इसको ओके करना है, और यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट कर देना है, ओके। तो आपको सेकंड नंबर ऑप्शन है कैंसिल, ऊपर है इनिशियलाइज टायर प्रेशर, ओके। तो अभी हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं, ओके। तो अभी आपको ये देख रहे हैं आप, ये एक्टिवेट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं जो फ्लैट टायर मॉनिटर है वो रीसेट हो चुका है। और अभी हम इसको फ्लैट टायर मॉनिटर एक बार कार को बंद करके चेक करते हैं। तो जो TPMS की लाइट है वो जा चुकी है, और जो टायर का सिग्नल है वो ग्रीन हो चुका है, और
फ्लैटर मॉनिटर एक्टिव हो चुका है। ओके, तो ये इस तरीके से आप इसमें चेक कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इसकी जो TPM इसकी लाइट है वो रिसेट कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताया था BMW X3 का किस तरीके से आप iDrive से इसका जो TPM इसकी लाइट है उसको ऑफ कर सकते हैं, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मनीष का टेक्नोलॉजी।